send us a friend. तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग आए हुए हैं अपना स्कूल पुराना जहाँ से हम लोग ने इंटर कंप्लीट किया है। और आज काफ़ी ठंडा भी बहुत है, तो हम लोग थोड़ा भूख हुआ ना 11 बजे तब आए हुए हैं ये न्यू ब्लॉग बनाने के लिए। और पहले तो मैंने पहले एक ब्लॉग डाल दिया है और इस बार फिर से ब्लॉग बना रहे हैं जो कि स्कूल पर बना रहे हैं। और वो प्लस टू इंटर हो चुका है यहाँ से, अब हम जो इंटर किए हैं खुद यहाँ से किए हुए हैं। और पहले इंटर जो किए थे तो पहले ऐसा नहीं था ये स्कूल, पहले थोड़ा हाई स्कूल ना वो थोड़ा ख़राब था, मतलब पेंट वेंट नहीं था, कुछ बिल्डिंग की कमी थी। और अभी ना हम लोग एंटर करने के बाद एक न्यू बिल्डिंग बना है जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब। और टीचर लोग भी आए हुए हैं न्यू सब। और अभी हम लोग जो ये हाई स्कूल है बहुत अच्छा हो चुका पहले से। और यहाँ पे तो रोड वगैरह सब कुछ बन गया, मैंने तो बहुत दिन के बाद यहाँ आया हुआ हूँ। और बहुत दिन के बाद आने के बाद बहुत सारा मतलब इस ये हाई स्कूल का ना पूरा हुलिया ही चेंज हो गया। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए, ताकि ये वीडियो लंबा ना बने और आप लोगों का इंटरटेनमेंट भी हो जाए। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, चलिए। तो गाइस फाइनली हम लोगों का ये स्कूल का गेट हुआ हाई स्कूल का, चलिए हम लोग एंट्री करते हैं अंदर में। कैसा है स्कूल, ये रहा हम लोगों का हाई स्कूल प्लस टू श्री जे एन सी हाई स्कूल बरेटा सेमापुर कटिहार, जो कि आप लोग पूरा कटिहार में भी नाम सुने होंगे। और कटिहार तो क्या, पूरा बिहार में आप लोग इसका नाम सुने होंगे, कटिहार में पड़ता ही है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं स्कूल कैसा है। और हम लोग जो पढ़े थे पहले इस स्कूल में पढ़े थे, ये बिल्डिंग में हम लोग पहले पढ़ते थे, ये बिल्डिंग थी। और उसके बाद ये बिल्डिंग जो सामने में दिख रही है वो वाला बिल्डिंग थी, ठीक। और हम लोगों के जाने के बाद ये एक न्यू बिल्डिंग बना जो कि ये प्लस टू के लिए है, इंटर वालों के लिए पहले। ये बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, बट अभी तो हम लोग तो निकल चुके इस स्कूल से, तो अभी तो पढ़े नहीं है इसमें, लेकिन बहुत अच्छा है ये बिल्डिंग। अभी तो मेन गेट लॉक है, लग रहा है मेन गेट लॉक ही है, थोड़ा सामने से जाना पड़ेगा। हाँ मेन गेट तो लॉक है, तो अंदर तो जा नहीं सकते, कैसा है अंदर का व्यवस्था पूरा। तो चलिए कोई नहीं, बिल्डिंग आप लोगों को दिखा दिए, हम लोग के निकलने के बाद ये बिल्डिंग बनी थी। और थोड़ा हम लोग का लाइब्रेरी भी हुआ, इधर से ही चलते हैं शॉर्टकट, थोड़ा रोड में क्या घूमना यार। थोड़ा चलिए आप लोगों को ये लाइब्रेरी प्लस में प्रैक्टिकल रूम दिखाते हैं कैसा है हम लोगों का। वो सामने में हम लोगों का प्रैक्टिकल रूम हुआ, तो गाइज ये हमारा प्रयोगशाला हुआ, प्रयोगशाला भवन। तो गाइज ये हम लोगों का प्रैक्टिकल रूम मतलब प्रयोगशाला भवन हुआ, जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करते थे। लेकिन हम लोग के निकलने के बाद ये फिर से बना था, ये सब पहले से था, बट ऐसा सिस्टम पहले नहीं था कि इतना अलग अलग रूम। तो आप लोग ये तो गेट लॉक है, तो आप लोगों को यहाँ से दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर में वो केमिस्ट्री हुआ, वो बायोलॉजी का हो गया आपका, और उधर केमिस्ट्री फिजिक्स का हो गया, फिर से उधर केमिस्ट्री फिजिक्स का हो गया, दिखाते आप लोगों को। ये बिल्डिंग भी हम लोगों के बाद बना, और इधर थोड़ा बाथरूम और वॉशरूम हो गया। और इधर हम लोगों का टीचर रूम और कॉमन रूम दोनों इधर ही है हम लोगों का इस बिल्डिंग में, दिखाते आप लोगों को। चलिए आप लोगों को दिखाते अपना टीचर्स रूम किधर है, ये लो अभी तो लॉक है, और थोड़ा वैक्सीनेशन चल रहा है इधर कोरोना का, अभी इस रूम में वैक्सीनेशन चल रहा है। और ये टीचर्स रूम हो हम लोग के, अभी कुछ टीचर्स लोग बैठे हुए थे अंदर में, तो सोचे बात करें, बट थोड़ा डर लग गया इसी वजह से चले आए वहाँ से। तो टीचर्स लोग से तो किसी भी तरह से बात करने में डर ही लग जाता है कभी कभी, पता नहीं कुछ पूछ ले हम स्टूडेंट लोग में तो यही थोड़ा सा डर बना रहता है कि कुछ पूछ ना ले। चलिए आप लोग अब दिखाते हैं थोड़ा प्रिंसिपल रूम दिखाते हैं, और कुछ गर्ल्स लोगों के लिए जो भी क्लासरूम है वो दिखाते हैं, और कंप्यूटर रूम दिखाते हैं, वो सारा कुछ दिखाएंगे हम लोग आप लोगों को। और ये पेड़ भी आम का है,
और हम लोग इस पेड़ से बहुत आम खाए हुए थे, पूरा मस्ती करते थे। गार्डन भी कुछ इस तरह से है हम लोगों का। ये भी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बंद पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ प्लस टू का काम वगैरह चल रहा है और वैक्सीनेशन भी चल रहा है इस कॉलेज में, इस हाई स्कूल में, कॉलेज तो नहीं कह सकते इसको। और कुछ इधर भी एक हमारे सर हैं जो कि बहुत अच्छे सर थे, इससे भी पढ़े हुए हैं हम लोग। कुछ काम चल रहा है अभी, ये जैसे कंप्यूटर रूम हो गया आप लोगों का, हम लोगों का तो नहीं, हम लोगों का। और ये तो अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो कोई नहीं। और ये हमारे प्रधानाध्यापक कक्ष है, और इसमें हमारे प्रिंसिपल सर बैठे होंगे अंदर में। तो बहुत अच्छे सर लोग भी यहाँ पे हैं, और ये लोग से कुछ बात करते हैं बाद में। और ये कार्यालय हमारे, और सर लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं पूरा। तो फाइनली आप लोग से ये स्कूल दिखवाई दिए पूरा, ये गार्डन है। तो फाइनली गाइज आप लोगों को दिखाई दिए सारा कुछ। चलिए, कुछ फ्रेंड्स लोग भी इधर हैं, तो इनसे तो क्या ही बातें करना, पता नहीं। ये लोग तो हम लोगों से जूनियर है, तो छोड़िए, कोई नहीं। और जूनियर लोग से बात करके थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, हमारा स्कूल के बारे में जान के। पूरा कटिहार डिस्ट्रिक्ट में इस स्कूल से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है इंटर और मैट्रिक का। अभी तो इंटर का 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला एग्ज़ाम और मैट्रिक का 17 फरवरी से। आशा की बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इस बार। हमें लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट्स शेयर करिए। बस।